और इधर हरदोई में जिन्ना पर अखिलेश यादव के लिए विवादास्पद बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। कल श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है, देश की को आज़ादी दिलाने वालों का अपमान किया है और इसके लिए उन्होंने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अखिलेश यादव को उनके जिन्ना पर दिए बयान पर गलत ठहराया। के समय का लोग है, कौन क्या बोलता है। अरे आजादी की लड़ाई में तो बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और अंततोगत्वा देश दो टुकड़ों में बट गया, तो कोई अलग टुकड़ा करके अपना देश अलग बना लिया तो वहां के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इन चीजों के बारे में चर्चा करना कोई आवश्यक थोड़ी है। जिन्ना पर अखिलेश यादव के दिए बयान के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज है और इस बीच मायावती ने दोनों ही पार्टियों को घेर लिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा जिन्ना को लेकर हरदोई में दिया गया बयान और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, ये इन दोनों पार्टियों की मिलीभगत और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि यहां यूपी विधानसभा चुनाव में माहौल को किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खराब किया जाए। और इधर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने उन्हें घेरा है और अखिलेश यादव पर देश के महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। रवि, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री मोहसिन राजा साहब, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिन्ना को लेकर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, अखिलेश यादव सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स की तुलना करते हैं जिन्ना से, वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तुलना करते हैं जिन्ना से, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? हम इसको विचारधारा से देखते हैं, एक अखंड भारत की विचारधारा है जिनके जन्मदिन पर वो गए थे, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी उन्होंने जोड़ दिया और जिन्ना को महिमा मंडित करके उन्होंने अपनी विचारधारा समाजवादी की विचारधारा बताई कि समाजवाद का जो नारा लगाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी विचारधारा निकल कर आई क्योंकि उनके मंच से जिन्ना को आजादी के आंदोलन का हीरो बताने की कोशिश की गई है। तो ये किसको खुश करने के लिए किया गया, ये बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि इसके लिए उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, इस बात को साफ करना चाहिए कि आखिर ये बात उन्होंने क्यों कही। क्या कुछ जिन्नावादी लोगों के वोट तो नहीं चाहिए उनको, जो बचे हैं कुछ लोगों की विचारधारा भी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनकी भी विचारधारा सामने आ गई, क्योंकि ऐसे मंच से जहां पर एक विभाजनकारी का महिमा मंडन किया गया और वहां अखंड भारत की विचारधारा का लौह पुरुष, उनके मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से तुलना कर दी गई, आप सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से लेना चाहते हैं। और इधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव के बयान को देश के महापुरुषों का अपमान बताया। रवि किशन ने अखिलेश यादव को अपना बयान वापस लेने की नसीहत दी। यादव की तरफ से जिन्ना को लेकर बयान आया है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी वो निशाना साध रही। हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से कोई इमेच्योर बयान सिर्फ चुनाव को लेके आ जाएगा या एक समुदाय को लेके या मुसलमान वर्ग को अट्रैक्ट करने के लिए इतना बड़ा शब्द कोई पूर्व मुख्यमंत्री ले लें, ये बड़ा दुखद रहा। मुझे लगता है उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, देश बहुत आघात है, बहुत ही देश दुखी है और सब लोगों को शॉक लगा कि जिन्ना कैसे हीरो हो गए आज़ादी में, जिन्ना का कैसे योगदान रहा, जिन्ना ने तो देश के टुकड़े किए, जिन्ना की वजह से तो हत्याएं हुई, सामूहिक लोगों को काटा गया है, उतर उतार के सबको ट्रेनों से काटा गया, इतिहास के पन्नों को दोबारा देखना चाहिए, सारे दर्द को हम लोग कैसे भूलेंगे और उसी में सडनली जिन्ना को हीरो के रूप में साबित कर दिया गया, आजाद भारत आजाद हुआ जिन्ना की वजह से। इससे दुखद शब्द मैंने अपने जीवन में या इस देश ने कभी नहीं सुना था। 135 करोड़ की आबादी बहुत शॉक्ड है और दुख में है और उनको आघात पहुंचा और अखिलेश यादव जी को अपने शब्दों को वापस ले।
अखिलेश यादव के जिन्ना